इसमें जो मेनली हम लोग को ये जानना है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, हमको किस किस फॉर्म में मिलती है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो पहले किसी को अगर कोई आइडिया है इलेक्ट्रिसिटी का, या पहले कभी इस तरह का नाम सुन रखा है, कोई बताएगा? एनीवन? सर, इलेक्ट्रिसिटी के नाम तो सुना है पहले। कहाँ सुना है बताइए। सर, जैसे ट्रांसफार्मर उड़ जाता है ना हम लोग के घर का, तो वो आता है बनाने वाला, तो वो बोलता है। इलेक्ट्रिसिटी का ठीक है, और कोई कहीं सुना है? चलिए अभी बात करते हैं हम लोग। तो जो आज का जो लेसन हमारा होगा, लर्न अबाउट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लर्न अबाउट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पावर हाउस, लर्न अबाउट सेल एंड बैटरी एंड रिलेटेड टर्म्स एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिक वर्किंग ऑफ जनरेटर। ये हमारे आज मेन टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज करेंगे, और मुझे लगता है इसके बाद में आपको इन चीज का आइडिया होगा आपको अच्छी तरीके से। तो मेरा जो भी लेसन होता है, तो पहले मैं आपको एक माइंड जो एक्टिविटी देता हूँ, तो आज की जो एक्टिविटी है इसको ध्यान से सुनिएगा और समझ लीजिएगा। थिंक थिंक व्हाट वुड यू लाइक टू बी लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट इन्वेंटेड बाय दिस टाइम। ट्राई टू फिल द फॉलोइंग टेबल। आपके नीचे एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल में कुछ लिखा हुआ है और आपको इमेजिनेशन में इमेजिन करना है कि अगर अब तक बिजली हमारे यहाँ नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन अभी तक नहीं हुआ होता अगर, तो क्या होता? तो जैसे लिखा है इसमें, विदाउट इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती और तब हमारे आसपास बल्ब नहीं होता, तो सो व्हाट डू वी डू टुडे, गिव योर फीडबैक। यहाँ पर आपको अपने फीडबैक लिखना है। आप माइक अपना ऑफ कर लीजिए सभी लोग। तो अगर अभी बल्ब नहीं होता तो आप क्या करते, या आज की डेट में आप कैसे उसको मैनेज करते? ये एक क्वेश्चन है। कि इसी तरह से दूसरा है, विदाउट मोबाइल फोन, आज अगर बिजली नहीं होती तो मोबाइल फोन भी नहीं होता, और फोन अगर नहीं होता तो आज हम लोग फोन का काम कैसे करते? सर, वी कैनॉट मैसेज क्या हुआ? सर, हम उससे मैसेज किसी को नहीं करेंगे अगर वो फोन नहीं होता तो, तो एंड मैसेज कॉल भी नहीं कर का, सकते। ओके हाँ तो इसको लिखना है आपको अपनी कॉपी में, विदाउट टेलीविजन। सर, ऐसे टेबल बनाइएगा कॉपी में और लिखिएगा सामने उसके आपको अपना आंसर लिखना है। अगर टेलीविजन नहीं होता तो आज आप कैसे रहते? एंटरटेनमेंट हाँ यस, विदाउट फैन अब्लिक कूलर अब्लिक एसी, अगर ये भी नहीं होता तो क्या होता? और विदाउट व्हीकल, आप सर, सो हॉट विदाउट व्हीकल, मेरा पहले फिर से आप सुन लीजिए प्रश्न क्या है, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन अभी तक नहीं हुआ होता तो इन कंडीशन में इसके जगह पे क्या करते आप, वो आपको इसमें बताना है। ओके नाउ सर। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आगे चलेंगे। ये एक्टिविटी आपकी थी, उसको सोचिएगा आपको। तो पहले बात करेंगे हम लोग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। वी नो दैट देयर इज इलेक्ट्रिसिटी ऑल अराउंड अस एंड वी यूज इलेक्ट्रिसिटी एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ। इन दिस लेसन वी विल नो वेयर द वी गेट दिस पावर एंड व्हाट इज द सोर्स। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आपके चारों तरफ है, कहीं भी आप जाएंगे हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी
रहेगी, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आप उसको देख नहीं पाते हैं। अगर आप किसी के साथ, पापा के साथ बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, तो बाइक में भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, बैटरी लगी होती है, फिर वहां पे देखते हो लाइट जलती है, जो गाड़ी अंधेरात में चलती है, इंडिकेटर होता है, हॉर्न बजता है। आप बस में बैठे हो तो भी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, बैटरी से स्टार्टिंग होती है। तो इस तरह से, या अपने घर में आप हैं तो टीवी है, पंखा है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, आपकी कोई भी चीज है, जहां पे सेल लगता है, बैटरी लगी हुई है, बिजली से चल रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके चारों तरफ है। और इस लेसन में हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे हम लोग जनरेट करते हैं या कैसे इससे हमें मिलती है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू द नेचर। दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी बांटी गई है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, जिस तरह से उसको मिलता है हमें। पहला होता है, इसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करेंट, एसी, एसी इलेक्ट्रिसिटी और एसी पावर, बहुत सारे अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। पावर टर्म भी अलग है, लेकिन आपके लेवल पर ये टर्म हम लोग ये सिंपल इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करेंगे। नंबर टू इज डायरेक्ट करेंट, डीसी इलेक्ट्रिसिटी और डीसी पावर। आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी इज एसी नेचर, सम पावर इज डीसी नेचर सच एज द पावर फ्रॉम सेल एंड बैटरी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपकी घर की सप्लाई है वो एसी नेचर की होती है, एसी सप्लाई होती है, और जो आपके जो सेल या बैटरी से जो सप्लाई मिलती है, अब सेल आपका घड़ी में लगा होगा, रिमोट में लगा होता है, बैटरी आपके घर में इन्वर्टर में होती है, और भी बहुत जगह मिलेगी आपको जहां जहां बैटरी होती है। तो सेल और बैटरी का जो सोर्स होता है वो हमारा डीसी सप्लाई से कहलाता है, और जो हमारा नेचर घर की सप्लाई होती है, जो प्लग में हमने फैन लगा दिया, मोबाइल चार्जिंग लगा दिया टॉप में, तो दैट इज द एसी नेचर। ये आपको मालूम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नेचर ये दो तरह की होती है। इसके बाद में एक आपको मैं टर्म बताऊंगा, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पहले मैं इसको बता दूं आपको कि इन एनर्जी के लिए कहा गया है कि ना तो उसको आप बना सकते हैं, ना तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही इसका लॉ का ये कहा गया है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। पहले इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एसी पावर। मेंस एसी इज आवर डोमेस्टिक सप्लाई इन आवर हाउस, मैंने बताया अभी आपको। डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रिसिटी टू योर हाउस, बट यू मे नॉट क्वाइट अबाउट हाउ पावर इज प्रोड्यूस एंड डिलीवर्ड। एक्चुअली पावर प्लांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू यू एंड योर कम्युनिटी, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। आपको ये बताना चाहेंगे हम कि पावर को पावर हाउस में जनरेट किया जाता है, सभी जानते हैं ये, वहाँ प्रोड्यूस करते हैं और उसको डिलीवर्ड किया जाता है। मतलब एक स्टेशन पे पावर बनाया जाता है और फिर आपके घर तक या आपकी सोसाइटी में पहुँचाया जाता है। द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। पहले लॉ को पढ़ लेते तब इसके बारे में बात करेंगे। According to this law, the law of energy, the law of conservation of energy states that energy can neither created nor destroyed. यही एक statement इसका है कि energy को ना तो हम बना सकते हैं ना तो हम उसको destroy कर सकते हैं। This means that system always has the same amount of energy unless it's added from the outside. ये कह रहा है कि can convert it from one form to another. केवल इसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, आप इसको बना नहीं सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी का ऐसा ये लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन दिया गया है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, आप इसको बना नहीं सकते, जनरेट नहीं कर सकते। सर किस पेज में पढ़ा रहे हैं? हाँ, किस पेज में पढ़ा रहे हैं? कौन है? आपने लेट से ज्वाइन किया, क्लास आपने लेट से ज्वाइन किया।
परवेज तुम अपनी माइक ऑफ करो पहले, और परवेज आलम की जो आईडी पे जो भी है अपना माइक ऑफ करिए आप। और आप लोग को जो भी डाउट है आप अपनी नोटबुक लेके बैठते हैं, डाउट को लिखते चलिए, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा तब अपना डाउट आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके, जो भी चीजें आप नोट कर लीजिए, हम अभी पढ़ा लेंगे, उसके बाद मैं खुद ही पूछूंगा आपसे कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए हमें। तो जहां पे प्रॉब्लम है मैं स्लाइड पे रिपीट कर दूंगा, लेकिन आप बीच में मत डिस्टर्ब करिए भैया, अपने प्रॉब्लम को आप नोट कर लीजिए, मैं बाद में बात करूंगा। चलिए, यहां पर आपने बताया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ केवल आप एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ओके, तो एनर्जी हमेशा सेम होती है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ये मैंने इसलिए बताया है कि कहीं भी आप देखेंगे पावर प्लांट में, कहीं भी जहां पे जनरेशन बताएंगे हम आपको, तो वहां पर इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अब हम लोग हाउ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इंटू द इलेक्ट्रिसिटी, कैसे एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदला जाता है। मैंने यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज किया है, तो आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर आ रही है, इसमें पूरे के पूरे पावर प्लांट को एक्सप्लेन किया गया है। आप देख लीजिए यहाँ से, पहले देख लिखा है कोल सप्लाई, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, कोल सप्लाई, और नीचे लिखा है वाटर सप्लाई, मतलब कि बिजली को बनाने के लिए या जनरेट ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग को कोयले की और पानी की जरूरत हो रही है। इसके बाद में देखिए एक चिमनी बनी हुई है जो एयर को बाहर निकालने के लिए यूज होगी, और इसके बाद बॉयलर लिखा हुआ है, एक बड़ा सा बॉयलर है, बॉयलर में एक पानी को ले जाने का अरेंजमेंट किया गया है थ्रू कंडेंसर, और ये पानी इसमें बॉयल पाइप के थ्रू जा रहा है, और स्टीम लाइन स्टीम का फ्लो हो रहा है, और ये टरबाइन, एक नया वर्ड है, ये टरबाइन पर आ रहा है ये, और टरबाइन से फिर ये जनरेटर को मूव करा रहा, चला रहा है, और ये फिर ये ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफार्मर के पास लाइन जा रही है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक पार्ट इसका। तो पहले देखते हैं फ्यूल जनरेटेड एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन स्टार्ट विद द सोर्स ऑफ फ्यूल that can be utilized or create energy. Fuel type including fossil fuel, coal, oil, natural gas, nuclear and renewable source of energy such as the solar power, wind power, falling water, hydro generator and even garbage and agriculture waste product. In sabse bhi energy generate ki jati hai. Renewable also reduce emission during the power generation. रिन्यूएबल सोर्स जितना हम लोग यूज करेंगे वो मतलब कि पावर के जो जनरेशन में जो भी पॉल्यूशन होता है उसको ये रिड्यूस करता है। अब आते हैं टर्बाइन एंड जनरेटर कन्वर्टेड एनर्जी, जो भी मैं उसके पहले फिगर आपको दिखा रहा था जहाँ पे टर्बाइन वर्ड यूज किया था, देख लीजिए आप, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये टर्बाइन, यहाँ पर ये टर्बाइन जनरेटर कैसे होता है दिखा रहा है। इन द पावर प्लांट द टर्बाइन एंड जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लिखा हुआ है यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट द फ्यूल प्रोड्यूस, फर्स्ट द फ्यूल प्रोड्यूस स्टीम गैस और फ्यूल दैट मूव ब्लेड ऑफ द टर्बाइन सो रिवॉल्व फास्ट मोर देन 3000 टाइम्स पर मिनट, आरपीएम वर्ड लिखा रहता है, तो 3000 राउंड पर मिनट, ये इतने तेज घूमने पर लगभग इतनी स्पीड में घुमाया जाता है कि एक मिनट में ये 3000 चक्कर लगाता है अपना। ये द स्पिनिंग टर्बाइन कनेक्टेड टू द रॉड एंड जनरेटर दैट टर्न अ लार्ज मैग्नेटिक सराउंड बाय द कॉइल ऑफ द कॉपर वायर, ये दिख रहा है आपको, ये टरबाइन है, टरबाइन के साथ में ये जनरेटर कनेक्टेड है। इस टरबाइन को सर नहीं दिख रहा है क्या, वो नहीं दिख रहा है, नो सर दिख रहा है, नो सर आप प्रेजेंट हाउ गए हो,
प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है मेरा? प्रेजेंटेशन नो सर, सर प्रेजेंटेशन दिख ही नहीं रहा है सर। एक मिनट बेटे, नव्या सिंह प्रेजेंटेशन कर रही थी। यस सर, किसी ने प्रेजेंट किया होगा तो मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। आप लोग ऐसा काम मत करिए। अब आ गया स्क्रीन आपके? यस सर, मुझे लगता है आवाज आना चाहिए। यस सर, विजिबल है अभी? यस सर। नहीं है अभी भी विजिबल सर? है सर, अभी भी नहीं दिख रहा प्रेजेंटेशन सर। मेरा नहीं है सर, मेरे में है सर, नहीं दिख रहा है। सर मेरे में नहीं है, इट इज नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं फिर से कर दे रहा हूँ, क्यों परेशान है आपको? अब आप लोग कनेक्टेड है? हाँ, यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि जो टरबाइन है, ये टरबाइन वर्ड दिख रहा है आपको, टरबाइन की स्पीड 3000 राउंड पर मिनट होती है और ये जनरेटर से कनेक्टेड होता है। अभी जनरेटर का अरेंजमेंट में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, और इससे ये इसको मूव करने से ये बिजली जनरेट करता है। जो यहाँ पर हम लोग टर्बाइन की बात कर रहे थे, the spinning turbine connected to the rod in generator that turn a large magnet surrounding the coil of the copper wire. इसको आगे अभी बताएंगे डिटेल में। वहां पर एक कॉपर वायर का अरेंजमेंट होता है और उस कॉपर वायर से हम लोग इसको, मतलब कॉपर वायर और मैग्नेट का अरेंजमेंट होता है जहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, मतलब कि रोटेशनल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, जनरेटर मैग्नेट कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, कैसे करता है वो बात करेंगे। द फास्ट रिवॉल्विंग जनरेटर मैग्नेट कॉज इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कॉपर वायर टू मूव, इसी को कहते हैं जनरेटर हम लोग। कि मतलब कि एक जन मैग्नेट होगा जो, जिसके कारण वो पूरे कॉपर वायर के साथ कॉयल मूव करता है उसमें, जिसे जनरेटर कहा जाता है। The movement of these electrons through the wire is the electricity. इसके movement से जो उस wire में electricity दिखती है, वही हमारा ये, मतलब कि पूरा electricity generation का ये process है। अभी हम लोग motor को हम लोग detail में पढ़ेंगे, आपको मैं last में बताऊंगा, क्योंकि मैंने शुरू में बोला हुआ है इसमें कि जो भी topic है वो करेंगे, जनरेटर का भी इसमें दिया हुआ टॉपिक पूरा। हाँ, ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर, इसमें ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो लार्ज, मतलब दूर तक ले जाने के लिए आपको हाई वोल्टेज पावर की जरूरत होती है यहाँ, क्योंकि कम वोल्टेज में अगर हम लोग पावर को लेके जाएंगे तो वो पावर ड्रॉप हो जाती है। जैसे आपसे कहा जाए कि अभी थोड़ा सा लंबा वायर आपको लगाना है घर में, तो जहाँ पर तार लेके जाएंगे वहां तक सप्लाई कम हो जाती है, ये रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो द थिक वायर कैरी इलेक्ट्रिकल फ्रॉम द जनरेटर टू ट्रांसफार्मर, एक कोई मोटा सा कैर वायर होगा जो जनरेटर, जहाँ से सप्लाई जनरेट होती है वो ट्रांसफार्मर तक सप्लाई लेके जाता है। और ये आपको डायग्राम में दिखेगा, ये लास्ट में दिख रहा है जो ट्रांसफार्मर सबसे लास्ट में दिया हुआ है, ये
यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर जो है, ये जनरेटर की सप्लाई यहाँ तक आती है और फिर इसको ट्रांसमिशन लाइन मतलब एक से दूसरे जगह डालने भेजने के लिए यूज किया जाता है। तो ये पावर हम लोग 4,40,000 वोल्ट तक इंक्रीज करके ले जाते हैं दिया है नीचे, विच इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट टू द 440,000 वोल्ट, मतलब 440,000। इसको नॉर्मली बोला जाता है 440 किलो वोल्ट, इतनी सप्लाई को ट्रांसमिट करना होता है। इसके बाद तो फिर देखिए, हाई वोल्टेज लाइन कैरी द करेंट टू द सब स्टेशन ऑन द पावर ग्रिड। ये वोल्टेज लाइन को डिफरेंट डिफरेंट सिटी में भेजा जाता है। फ्रॉम द पावर प्लांट द इलेक्ट्रिक करेंट ट्रेवल हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन एंड टू इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सब स्टेशन थ्रू आउट द नेशन कॉल्ड द ग्रिड। ये पूरे ऑल इंडिया में जहां जाए तो कनेक्ट करेंगे ग्रिड से। तो ये इसका सिस्टम है कि जिस भी जगह पर ये पावर सप्लाई ले जाई जाती है उस जगह को ग्रिड कहा जाता है, और उस ग्रिड से ही हम लोग अपनी कम्युनिटी में सप्लाई देते हैं। जैसे हम लोग देखिए मसरख में, थोड़ा विद्यालय से आगे जाएंगे तो बड़ा सा सब स्टेशन बना हुआ है। एक सब स्टेशन आप देखेंगे जो हम लोग जब चैनपुर के आगे जाते हैं तो एक सब स्टेशन बड़ा सा बना हुआ है, दैट इज द ग्रिड। वहां पे सप्लाई बड़ी आई और वहां से भी छोटे छोटे जगह में भेजी जाती है। एट ईच सब स्टेशन ट्रांसफार्मर डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करेंट वोल्टेज टू द लेवल कैन बी यूज बाय फैक्ट्री शॉपिंग मॉल एंड अदर कस्टमर्स। आपको पता है कि वहां पर हम लोग वोल्टेज 440,000 वोल्ट में कन्वर्ट किए थे। इतनी सप्लाई घर में आएगी तो घर के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह, तो उसको फिर ट्रांसफार्मर का यूज करके उस लाइन को किया जाता है और फिर अपने यूज के लेवल का बनाया जाता है ट्रांसफार्मर। अपने स्कूल में भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आपने देखा है, वो 11,000 वोल्ट को आपके 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद में फिर है पावर लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड टू लोकल ट्रांसफार्मर। किसका माइक ऑन है भाई? मोहित राज अपना माइक ऑफ करो। अंडरग्राउंड द माउंटेड ऑन द पोल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन फ्रॉम ग्रिड कैरी इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन टू द स्मॉल लोकल ट्रांसफार्मर, जो मैंने अभी आपको बताया। लोकल ट्रांसफार्मर माउंटेड ऑन द पोल आर क्रिएट पैड फ्यूचर रिड्यूस द इलेक्ट्रिक वोल्टेज 220 टू 250 वोल्ट व्हिच कैन बी यूज्ड सेफली इन अ होम एंड बिजनेस पर्पस। मोहित राज अपना माइक आप ऑफ कर दीजिए। मोहित राज नहीं है, माही राज सही है, जो भी है इनका नाम जो आ रहा है माही राज, अपना माइक आप ऑफ कर दीजिए, बस कैमरे की दिक्कत नहीं है। फिर ये सप्लाई जो भी है वो आपके अपने यूज के लेवल की बनाई जाती है। एक मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम में पूरा चीज बनाया हुआ है। देखिए सबसे ऊपर में दिख रहा है ये पावर स्टेशन दिया है, जनरेटर जहाँ पे जनरेट हो रही है सप्लाई, जो भी मैंने डिस्कस किया। फिर ये पावर ट्रांसफार्मर में जाती है सप्लाई, जहाँ पर मैंने बताया था इसको 440,000 वोल्ट तक अपग्रेड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और फिर ये ट्रांसमिशन लाइन देखिए, बड़े बड़े पोल्स के थ्रू लाई जाती है। ये आपका ट्रांसमिशन सब स्टेशन है, यहाँ से देखिए पोल की साइज कम हो जाती है, ये वोल्टेज को थोड़ा सा डाउन कर लिया जाता है, ये दैट इज द ग्रिड, इसी को ग्रिड कहा जाता है। अब जगह जगह सप्लाई जाती है। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, यहाँ पर सप्लाई को और कम कर दिया जाता है, और ये लगभग 11,000 वोल्ट की सप्लाई होती है, और ये फैक्ट्री में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर के थ्रू ये सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह से देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से ये रेजिडेंशियल एरिया में जा रही है जहाँ पर घर बने हैं, तो यहाँ पर भी पोल पर ट्रांसफार्मर लगा करके सप्लाई कम करके घर में सप्लाई दी जाती है। ये पूरा हमारा एक सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये पूरे कंट्री में यही सिस्टम फॉलो होता है। अपने स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन फिलहाल यही सिस्टम
पूरे इंडिया में फॉलो होता है। अब आते हैं हम लोग बात करेंगे मीटर एंड कंट्रोल फॉर कस्टमर पावर। एक इलेक्ट्रिसिटी टिपिकली इंटर इन योर बिजनेस आर होम थ्रू द मीटर दैट मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू यूज। देयर अ कंट्रोल पैनल डिस्ट्रीब्यूशन पावर थ्रू वायर एंड वॉल एंड देन वॉल स्विच एंड आउटसाइड सॉरी आउटलेट्स। When you switch on or plug equipment and appliances, you can complete the circuit from the power plant and electricity operator. तो कह रहा है कि जब आपके घर में सप्लाई दी जाती है तो वहां पर एक हम लोग मीटर यूज करते हैं। वो मीटर आपने कितनी बिजली कंज्यूम की है उसके बारे में बताता है। अगले फिगर में हम लोग देखेंगे। देखिए ये आपके जब घर में सप्लाई आती है ये तो यहाँ पर सिंगल फेज इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू ये लाइन अंदर आएगी और ये मीटर लगा रहेगा। इस मीटर में पहले सप्लाई दी जाती है फिर यहाँ से सप्लाई बाहर ले निकलती है। तो ये पूरा मीटर ये काउंट करता रहता है कि आपने कितनी बिजली कंज्यूम की। इसमें मैंने आपको जब मैंने अप्लायंसेस के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने आपको कितना कंज्यूमशन होता है ये मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे हम लोग कंजम्पशन को कैलकुलेट करते हैं। न्यूट्रल भी यहीं कर क्रिएट किया जाता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है घर की। हर कमरे के लिए अलग अलग लाइन भेजी जाती है। ये एमसीबी का पैनल है। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो घर में आपके सप्लाई पहुंचाई जाती है सोलर स्टेशन से बना है। अब हम लोग बात करेंगे डीसी सप्लाई की। अभी तक हम लोग बात किए थे एसी सप्लाई के बारे में, अब डीसी के बारे में बात करेंगे। बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अ केमिकल रिएक्शन। यूजुअली अ केमिकल आर कीप इनसाइड द बैटरी। इट यूज्ड टू सर्किट द पावर एंड कंपोनेंट। अ बैटरी प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लोड वन डायरेक्शन दैट डज नॉट स्विच बैक टू द एंड फॉरवर्ड। मतलब जो एसी सप्लाई हमारी होती है वो एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के फॉर्म में चलती है। वो अभी मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। एक वाइट स्क्रीन आई हुई है। देखिए एसी सप्लाई जो होती है वो किस नेचर की होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और इस ये एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस एक्सिस पर अब एसी सप्लाई हम लोग बनाएंगे। देखिएगा यहां से शुरू किया हमने और जस्ट यहां तक लाए। ये इसी तरह से एसी सप्लाई का नेचर ये होता है। इसकी वेव फॉर्म जब देखी जाती है आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा ये, तो ये इस फॉर्म में एसी वेव फॉर्म होती है। बिल्कुल ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म कहा जाता है। ये हमारी एसी सप्लाई है। अब अगर आप डीसी सप्लाई को देखेंगे तो डीसी सप्लाई देखिए रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इसका ये नेचर होता है, इस तरह से होती है। वो मतलब एक ही डायरेक्शन में होती है। अगर आप देखेंगे ये तो ये डीसी सप्लाई है। ये मतलब कि मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं दैट इज द डीसी सप्लाई और ये हमारी जो है एसी सप्लाई है। दोनों के नेचर में ये अंतर होता है कि इसमें वेवफॉर्म
इस तरह से इसकी रिप्रेजेंट करती है और इसमें एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। तो ये बैटरी की सप्लाई का आउटपुट है, ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है ये बैटरी के लिए है, और ये जो आउटपुट है आपका ये एसी सप्लाई जो घर की सप्लाई होती है। तो यहाँ पर ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो आपकी सप्लाई है वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन वन डायरेक्शन ये लिखा हुआ है इसमें एंड डज नॉट स्विच बैक, जैसे बाकी में होता है कि स्विच करती है, ये स्विच नहीं करेगी। तो यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आउटलेट और बिल्डिंग आर चेपर आर मोर इफिशियंट बट द बैटरी कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एरिया डज नॉट हैव द इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन इट इज यूजफुल थिंग दैट थिंग मूव सच एज द इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन, जैसे कि आपका गाड़ी है, मोबाइल फोन है या आपकी मोटरसाइकिल है, बस है, वहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी जो नॉर्मल सप्लाई नहीं ले जा सकते हैं, उसके लिए वहाँ पर हमको बैटरी यूज करना पड़ता है क्योंकि वो वायर से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब बस चलेगी तो वायर फिर आपका निकल जाएगा, तो उस जगह पे बैटरी यूज की जाती है। बैटरी आर द प्राइमरी और सेकेंडरी, दो तरह का सेल होता है। प्राइमरी सेल जो होगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, देख लेते हैं। जो प्राइमरी इज थ्रो अवे वी कैन नो लॉन्गर प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंडरी कैन बी रिचार्जेबल इन डी यूज। इसमें जो सेकेंडरी सेल होता है वो रिचार्जेबल होता है, बैटरी जब खत्म हो जाएगी तो आप उसको फिर से चार्ज कर सकते हैं, दैट इज द सेकेंडरी, और अगर आप उसको चार्ज नहीं कर सकते तो इट इज द प्राइमरी सेल, ये लिखा हुआ है इसमें। बट द रिचार्जेबल बैटरी कैन ओनली रिचार्ज गिवन नंबर ऑफ टाइम, उसकी टाइमिंग होती है, उतने देर के लिए चार्ज करना है आपको। इवन बिल्ट इन अ बैटरी कैन नॉट बी रिचार्ज फॉर एवर, वैसे मोबाइल में बैटरी लगी है, आप मोबाइल को लगा करके चार्ज कर लेते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, दैट इज द सेकेंडरी बैटरी। और प्राइमरी जो है वो नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है, उसको यूज करने के बाद में उसको आपको फेंक दिया जाता है कि नई बैटरी आपको यूज करनी, जैसे घड़ी में लगी होगी तो घड़ी में बैटरी अगर आप खत्म हो गई तो आपको फिर उसको चेंज करना होता है। कनेक्ट द पॉजिटिव वन ऑफ द सेल नेगेटिव द नेक्स्ट सेल कॉल्ड द कनेक्शन, ये सीरीज और पैरेलल की बात कर रहे हैं, देखिए ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। एक जो सेल होता है, कोई भी एक बैटरी सेल जो मार्केट में अवेलेबल है, वो 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है। तो अगर आप इसको देखिए सेल इन पैरेलल, अगर पैरेलल कनेक्ट करेंगे, ये मतलब सब प्लस को एक साथ कनेक्ट कर लिया और सब माइनस को एक साथ, तो ये केवल 1.5 वोल्ट आउटपुट देगी, बस इसका जो बैकअप टाइम है वो बढ़ जाता है। और अगर आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, एक के प्लस को दूसरे के माइनस से, फिर दूसरे के प्लस को एक के माइनस से, जैसे टॉर्च में लगा होता है, तो ये आपका सारे वोल्टेज में ऐड हो जाते हैं। तो डेढ़ 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 1.5 को 4 टाइम्स करेंगे तो 6 वोल्ट सप्लाई ऐड हो जाती है। तो ये इसका सीरीज कनेक्शन। फिर आप देख लीजिए बैटरी की साइज, सेल की साइज आपको ये मालूम होनी चाहिए, इसमें डी डबल ए ट्रिपल ए साइज की बैटरी है। आप जब मार्केट में परचेज करेंगे तो ये साइज बताई जाती है, जनरली लोग बताते हैं कि हाँ रिमोट वाला दे दीजिए, तो मेरे को मालूम है जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये सब सेल 1.5 वोल्ट का ही होता है, और सेल को जब कंबाइन किया जाता है तब बैटरी बनती है। अब बैटरी के बारे में देख लीजिए, ड्राई सेल जो है वो बहुत, जैसे मतलब होता है ना कि सेल का कॉम्बिनेशन जो होगा वो बैटरी होता है। बैटरी 3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7.5 वोल्ट, 9 वोल्ट, इस तरह से बैटरी आपको मार्केट में मिलेगी, वो 1.5 वोल्ट के मल्टीपल में होती है, 1.5 वोल्ट। और इसके मटेरियल के अकॉर्डिंग इसका टाइप होता है, एल्कलाइन बैटरी, ये नॉन रिचेबल जो होती है, मरकरी बैटरी नॉन रिचार्जेबल होती है, लेक्लांसे बैटरी सुपर हैवी ड्यूटी नॉन रिचार्जेबल। तो ये मैंने एक कंपनी बनाया है इसमें कि किस मटेरियल, किस बैटरी में कौन सा मटेरियल यूज होता है, क्योंकि बैटरी भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो केमिकल में एल्कलाइन मरकरी लेक्लांसे में जो जो सेल यूज होता है, लिथियम सिल्वर ऑक्साइड, इस तरह की चीजें यूज होती है। सेकेंडरी सेल में क्या क्या यूज हो सकता है, लिथियम आयरन बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी, निकिल मेटल हाइड्रो
हाइब्रिड बैटरी, ये सब दिया हुआ है। लैपटॉप में, फोन में कैसी बैटरी यूज होगी, लिथियम बैटरी यूज होती है उसमें जो रिचार्जेबल होती है, निकिल कैडमियम बैटरी होती है ये भी रिचार्जेबल, सर रिचार्जेबल बैटरी के सेकेंडरी सर्किट। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा जनरेटर के बारे में, जो मैंने शुरू में टर्बाइन के साथ बताया था आपको। जनरेटर यूजुअली मींस मशीन दैट मेक द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट हैज जनरेटर हेड एंड वायर्स स्पिनिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, द रिजल्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द वायर। Hybrid electric vehicle carry the generator power enough to make them go. The biggest generator don't go anywhere, they can stay in the power station. देखिए, generator छोटे भी होते हैं, जैसे motorcycle में भी generator लगा होता है, वो उसकी rotation speed से चलता है। आप छोटे bus में भी होता है, बड़े generator जिसको कहीं ले नहीं जा सकते, वो power station में लगा होता है। हम लोग अपने function में, शादी ब्याह में कभी कभी book करते हैं, तो ये सब generator मूवेबल होते हैं, वो थोड़ा साइज में ले जाने लायक होते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में देख लीजिए। थिंक ऑफ द जनरेटर इज एनर्जी इंजन दैट कन्वर्ट काइनेटिक मोशन एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर कंसिस्ट ऑफ स्टेशनरी मैग्नेटिक, इसमें जो पार्ट स्टेशनरी होगा उसको स्टेटर कहा जाता है, और कुछ पार्ट मूव होता है वो रोटर कह सकते हैं उसको। कुछ पार्ट इसमें नाम लिखे मैंने दे रहा हूँ, फ्रेम जिसमें पूरा का पूरा जनरेटर असेंबली होती है, रोटेटिंग शाफ्ट, बियरिंग, ये दिया है पूरा, देखिए जनरेटर का फिगर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें बियरिंग शाफ्ट जो घूमने वाला है, इंड ब्रैकेट, फ्रेम, स्टार्टर, कम्यूटेटर, ब्रश, असेंबली, आर्मेचर। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, एक मिनट में दिख रहा है, नहीं आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, दिख रहा है सर। तो ये जो मैं सारे पार्ट के नाम, आपको ये पार्ट के नाम मालूम होने चाहिए। इसको हम लोग डिटेल स्टडी बड़ी क्लास में करेंगे, 9th में 10th में, लेकिन मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके एक एक पार्ट को मैंने एक्सप्लेन भी किया है, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर, स्टार्टर, कम्यूटेटर, ब्रश असेंबली दिया है पूरा। फील्ड वाइंडिंग एक्वायर दैट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू विच द करंट फ्लो, आर्मेचर क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय द स्पिनिंग इनसाइड द स्टार्टर एंड अपोजिंग द मैग्नेटिज्म। स्टेटर स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड विद लार्ज कॉपर वाइंडिंग। कम्यूटेटर एक कंडक्टर थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट। ब्रश असेंबली रब द अगेंस्ट कम्यूटेटर थ्रू द सेंड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल। तो ये सारा इसमें अरेंजमेंट ये दिया हुआ है। तो ये पूरा हमारा आज का जो टॉपिक था, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे या कन्वर्ट करते हैं। तो अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट? यस सर। सर लॉ ऑफ एनर्जी का, सर लॉ ऑफ एनर्जी आप कुछ पढ़ा रहे थे, वो मेरे को समझ नहीं आया। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन में कहा गया है कि एनर्जी को हम बनाते नहीं हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपने जनरेटर देखा है जो आपके मैरिज फंक्शन में या yes, घर पे आता है, तो उसमें देखा होगा एक yes, वाला होता yes, है और उसके साइड में एक में yes, रखा रहेगा जनरेटर का। तो जब हम इंजन को घुमाते हैं तो वो जनरेटर हमारा मूव करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। yes, तो यही मैं कह रहा हूँ, ओके सर, एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यही लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। ओके, और कोई डाउट किसी को?
नो सर, इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। वो हम सेंड कर देंगे। और आप लोग नोटबुक अपनी लिए हुए हैं तो इससे रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो वैसे मैं आपको भेजूंगा भी, लेकिन आप लिख लीजिए क्योंकि मैं समझता हूँ। ओके सर। ओके सर। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, आपकी स्क्रीन पे भी खुल रहा है ये। ये हमारा यही वाला टॉपिक है, इसमें ये पूरा का पूरा लेसन प्लान है, ये मैं अभी आपको सेंड करूंगा। इसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाँ, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट योर होम। पहला क्वेश्चन है Identify the source of electricity at your home. और दूसरा है make a list of measuring device in above term. मैंने पहला पूछा है कि आपके घर में कितने तरह के इलेक्ट्रिक सोर्स हैं, उसके बारे में लिखिएगा, जो मैंने अभी पढ़ाया है पूरा आपको। और दूसरा, जितने भी ऊपर टर्म आपको यूज किए गए उसमें अगर किसी में मेजरिंग डिवाइस की जरूरत है तो वो कौन सी डिवाइसेज होगी, उसके बारे में आपको बताना है। और लास्ट में सर एक चीज पूछना था। सर सर ने भी बोला आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट योर होम। सर तो वो जो डिवाइस मेरे को लिखना है वो मैं लिख दूंगी, और उसका यूज क्या है वो लिख दूंगी। लिख सकते हैं। ओके सर। और दूसरा नीचे दिया है Explain the detail about the electrical term you have heard or seen at your home or around you from all terms in the lesson. इस लेसन में आपने जितने भी टर्म नए सुने हैं, अगर उसको पहले कहीं आपने सुन रखा है तो उसके बारे में लिखना है, वो एक प्रोजेक्ट टाइप का आपका है। तो ये आपका पूरा आज का। ओके सर। अभी मैं थोड़ी देर में इसका ये जो लेसन है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ फाइल, और मैं इसका वीडियो भी आपको शेयर करूंगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ क्लास में, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सब लोग काम अपना पूरा। ओके सर। ओके। यस सर। तो आप लोग ओके सर। ओके सर। यस सर। यस सर। ओके सर।